कार्यालय पर मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सपा नेता मुदस्सिर खान को मुरादाबाद का जिला महासचिव बनाया गया। वहीं मौजूद सभी सपाइयों ने उन्हें बधाई दी और फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, नरेश उत्तम पटेल, डीपी यादव और सांसद जावेद अली खां का आभार व्यक्त किया। मुदस्सिर खां का सियोरेबाजी अड्डे पर सपा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। स्वागत के बाद बोलते हुए कहा कि वे विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए जिले की 6 सीटों के लिए मेहनत कर जिताने का काम करेंगे। मुझे इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने 2007, 2009, 2012 में मुरादाबाद का जिला सचिव बनाया था। आज फिर मेरी मेहनत और लगन को देखते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुझे मुरादाबाद का जिला महासचिव बनाया है, क्योंकि मैं सपा में 2004 से मेहनत और लगन से काम करता चला आ रहा हूं। सिहोरेबाजी अड्डे पर स्वागत के बाद सपाइयों ने 0 पॉइंट पर मुदस्सिर खान का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत करते हुए ढोल नगाड़े बजाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर ग्राम प्रधान सलीम अहमद, रिजवान मंसूरी, खलील चौधरी, नईम चौधरी, मोहम्मद अली प्रधान, रफी नेताजी, अब्दुल्ला मंसूरी, सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वर्ष 2004 से समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते चला आ रहा हूँ और मुझे मेरी पार्टी ने बीच बीच में सम्मान दिया है। मैं पूर्व में 2007 में पार्टी का जिला सचिव रहा, 2009 में मैं पार्टी का दूसरी कमेटी में जिला सचिव रहा, वर्ष 2012 में मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष रहा और आज मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम श्री अखिलेश यादव जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी और मेरी पार्टी के जिले के कमांडर मेरे भाई धर्मपाल सिंह और डीपी यादव जी, मेरे नेता पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अली खान साहब, मुझे समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी। मैं अपने सभी नेताओं को और जनपद मुरादाबाद के सभी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी समाजवादी साथियों को यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा करते हुए जो समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिले की मुझे दी है, मैं पूरी सत्यनिष्ठा के साथ पार्टी के लिए कार्य करूँगा और अपने नेताओं के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। पद के लिए कोई प्रक्रिया नहीं होती, जब पार्टी चाहती है जिसे चप चाहे नवाज देती है। हमारे नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब जिसे चाहते हैं उसको सम्मान देते हैं और समाजवादी पार्टी की ये परंपरा रही है कि समाजवादी पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। जो ज़मीनी कार्यकर्ता मेहनत का श्लोक होते हैं उनको समाजवादी पार्टी हमेशा सम्मान देने का काम करती है। उसी क्रम में समाजवादी पार्टी में आज मुझे मुरादाबाद जिले का महासचिव बनाया गया। 2022 में जैसे इलेक्शन आ रहा है, इसमें क्या तैयारी होंगे आपके आने वाले? 2022 में हम बूथ स्तर पर मजबूत तरीके से काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के नेताओं के निर्देश के अनुसार बूथ पर समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूती से काम करने में लगा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में आएगी और ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी और घमंडी सरकार का अंत 2022 में इंशाअल्लाह ताला होने वाला। तो बीजेपी तो दावा कर रही है कि दोबारा 2022 हम दोबारा आएंगे? दावा कर देने से कुछ नहीं होता, ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो चुका है और ये इसका सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। इस उत्तर प्रदेश का अन्नदाता पिछले 9 महीने से सड़कों पर पड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश की सरकार को ये मैसेज दे रहा है कि 2022 में आपकी विदाई तय है। स्वागत में आप लोग देख रहे हैं, भारी तादाद में स्वागत में लोग मौजूद हैं। मेरे साथी इस ग्राम पंचायत के जहाँ मैं खड़ा हूँ, सहरिया के ग्राम प्रधान सलीम अहमद साहब और उनके तमाम साथी मैं नाम लूँगा, तो यहाँ जितने लोग मौजूद हैं मैं सबके नामों से वाकिफ हूँ। मेरे साथ लखनऊ से चल के आ रहे हैं मेरे साथी महराज पासा साहब हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी का जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ठीक है, सहरिया हूँ जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। मेरे नेता, मेरे सरपरस्त नेता समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव बन के आए, उनके स्वागत के प्रोग्राम में मेरे गांव के सभी लोग, मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं, तो जोरदार स्वागत के लिए आए हम लोग। तो बस अच्छा, सुबह से कितने, सुबह किस वजह से आप इंतजार कर रहे हैं? स्वागत का प्रोग्राम था, वहाँ से लखनऊ से चल के मुदस्सिर खान साहब आ रहे थे, उनके इंतजार में सारे आप सब देख ही रहे हैं।